स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बनारस के दशाश्वमेध घाट पर और आपको यहाँ का पूरा सीन दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे अभी यहाँ पर अभी शाम के 5 बज रहे हैं, जो कि शाम को 7 बजे यहाँ पर गंगा आरती होगी। तो अभी दिखाते हैं गंगा आरती की यहाँ पर तैयारी होती है, हो रही है, और यहीं पर गंगा आरती की तैयारी होगी अभी थोड़ी ही देर में, जो कि शाम को 7 बजे तक यहाँ पर आरती शुरू हो जाएगा। और आप यहाँ का सीन देख सकते हैं, जो कि दशाश्वमेध घाट का सीन है और लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। शाम के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ होता है, क्योंकि यहाँ पर आरती यहाँ का बहुत ज़्यादा मशहूर है, शाम का आरती यहाँ का, इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु शाम को ही आते हैं और यहाँ का आरती देखते हैं। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में आरती भी दिखा दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पर आकर आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर पर्सन 100, 150, 200, 250 तक रुपए हैं, जो कि बोटिंग करने का चार्ज यहाँ पर लगता है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, और ख़ासकर बोटिंग का समय यहाँ पर सुबह में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बोटिंग करने का समय जो होता है। यहाँ पर देखिए शाम को जो कि बोट पर कुर्सियाँ सजाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज किया जाता है, और यहाँ पर लोग बैठ कर आरती का आनंद लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, और यहीं पर है जो कि आरती होगा, तो आप लोगों को दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। जैसे जैसे शाम हो रही है, श्रद्धालुओं की मात्रा तादाद बढ़ती जा रही है। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, जो कि आरती का टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं श्री माँ गंगा मंदिर का स्थान है। देखिए गंगा जी की इसमें मूर्ति भी है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाएंगे, जो कि सजता हुआ आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए माइक को एक सब रखा हुआ है, जो कि आरती होगा। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ का मोर का पंख भी है, और भी इधर देखिए सजाया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इधर देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। और बाकी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो को इस लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, आरती दिखाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा मशहूर आरती है यहाँ का। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों को दिखला देते हैं कि इस स्थान पे जो है आरती होगी,
और सामने पर जो है बोट पर लोग बैठे हुए हैं, जो कि बोट का चार्ज 100 रुपये लगेगा, जो कि आरती को सामने से देखा जा सकता है बोट पर से। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी लोग गंगा आरती में आए हैं मास्क लगावे, और सभी माझी बंधुओं से भी निवेदन है, जो भी श्रद्धालु भक्तगण भगवती माँ गंगा का संकल्प एवं पूजन कराने के इच्छुक हों, वो श्रद्धालु भक्तगण ृतमेतलुगेलिप्रथमकुक्रमशिखावतारेनावत्सरे आनंदनावत्सरे सूर्यदक्षिणागले शरदर्ग महामंगल प्रदमाश्वत्तनिवासे नमः सर्वोपकारार्थे गंधापुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदं हविः प्रदननं मे अस्तु दशवीरकं सर्वगणकं सुस्तार परमात्मादिसुन्दर आरार्तिक्यग्रहणम् हस्तोपचारं पुष्पाञ्जलिः। ओम रत्नी तरुण्यमय दंपती वास्तानि धर्मार्थधमान्यासन्नं ते हनकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितमामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीप्रभुं। नहीं जाएंगे और सभी नाव पे जो भी लोग बैठे हुए हैं आपसे निवेदन है कि आप कोई भी आदमी आरती के दौरान नहीं उतरेगा, आप सभी लोग बैठ जाए अपने अपने स्थान पे, बैठ जाइए पीछे जो भी लोग खड़े हैं बैठ जाइए। जो नर्मदा
ब्रह्म का मंडल से अन्नपूर्णा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, शीतला माता की जय, परमहंस श्री बापू जी महाराज की जय, ब्रह्मस्वरूप श्री सत्य साई बाबा की जय, श्री शोभा जय, भारत माता की जय, नमः पार्वती पते हर हर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये आरती काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और नीचे कमेंट में आप लोग हर हर महादेव लिख दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे ही ब्लॉग वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और भी हमारे चैनल पर वीडियोज है, जाकर आप देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, चलिए।